नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको बेहतरीन शेयर जो आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रहनी चाहिए। अगर इसमें अभी ब्रेकआउट होता है तो अभी आपको जरूर पोजिशन बनाना चाहिए, जो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि अभी जो स्टॉक है उसमें काफ़ी रैली देखने मिला है आपको। जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी, इसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा, मतलब जो अप ट्रेंड है वो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन स्टॉक में काफ़ी गजब की तेजी है। तो जो स्मॉल कैप स्टॉक है खास करके, उसमें काफ़ी रैली देखने मिला है। तो ये जो स्टॉक है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर इसमें आपको अभी ब्रेकआउट दिखता है तो शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करें। जैसे एक सप्ताह हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, क्योंकि मार्केट में अगर करेक्शन होता है, गिरावट होता है, तो इस स्टॉक में भी होगा। लेकिन अगर मार्केट में अभी गिरावट नहीं आती है तो ये सारे स्टॉक जब ब्रेकआउट होता है तो अभी डायरेक्ट आपका जो रुपया है वो डबल कर सकता है, किसी में 10% 20% का प्रॉफिट आपको बहुत तेज़ी से मिलेगा। तो ये सारे स्टॉक है जिसे आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रहना चाहिए, और आपको देखते रहना है कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है। जिस स्टॉक में ब्रेकआउट होगा बस उसको ट्रेड करना है, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और जब मार्केट में कभी भी गिरावट होगा इन सारे स्टॉक में बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि ये सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, जब मार्केट में गिरावट होगा तो आँख बंद करके आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर 5 स्टॉक में करते हैं तो निश्चित है कि 2-3 स्टॉक काफ़ी अच्छे आपके परफॉर्म करके देंगे। दोस्तों सारे के सारे स्टॉक एक बार किसी के भी पोर्टफोलियो में परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन 2-3 ही परफॉर्म करेंगे इन सारे स्टॉक में तो आपको काफ़ी गजब का रिटर्न देगा ये सारे स्टॉक, क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में है हमारा पहला नवीन फ्लोरिन, काफी बेहतरीन शेयर है। अगर 1 मंथ का चार्ट देखें तो देख सकते हैं ये अभी अपने हाई पे चल रहा है 1 मंथ में। अगर 1 ईयर में बात करें, 1 ईयर में भी ये अपने हाई पे चल रहा है। तो अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो निश्चित है एक गजब का तेजी इसमें देखने मिलेगा, और ये अपने ब्रेकआउट देने वाले रेंज में भी है। अगर यहाँ से ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो एक गजब का मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। तो आपको जरूर यहाँ पर पोजिशन लेना चाहिए, जैसे 1 सप्ताह हो गया, 1 महीना हो गया, जब तक मार्केट में मतलब गिरावट नहीं होती है तब तक में ये अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ से दे सकता है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये काफ़ी बेहतरीन शेयर है। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। अभी जो आप देखेंगे इसका RSI, अगर हम टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे, जैसे आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं HLE ग्लास कॉट पे, RSI 80 पे है, तो वहाँ पर ये नहीं कि आप उसको सेल करेंगे। RSI 80 है, 80 से 90 होगा अगर RSI यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, जैसे कोई भी स्टॉक 80 पर, तो वो डबल हो जाएगा। मात्र RSI में 10 से इंक्रीज होगा तो वो स्टॉक आपका डबल कर देगा पैसा। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर रखिए, थ्योरी मत पढ़िए कि 80 है तो सेल करो, ये करो। दोस्तों प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है वो काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है आपको। जैसे आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक एक शेयर करके 10 शेयर खरीद करके मैंने सीखा, प्रैक्टिकली सीखा। तो प्रैक्टिकली आप जब सीखेंगे तो आपको पता चलेगा RSI जो होता है वो जब 60 से ऊपर हो और स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा हो तो वहाँ से स्टॉक काफ़ी तेजी रैली करता है, और 80 हो तो वहाँ से ब्रेकआउट देता है तब तो वो आपको 1 से 2 दिन में या कहीं 1 सप्ताह में आपके रुपये को डबल कर सकता है, इतना बेहतरीन होता है। तो RSI बेस्ड जो स्ट्रेटेजी होता है, जो ब्रेकआउट होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तो नवीन फ्लोरिन का देख लीजिए, करेंट प्राइस जो है 2760 रुपये है, और ये चार्ट देखिए तो काफ़ी बेहतरीन है। ऐसे भी लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मिला है, 4000% का रिटर्न मिला है। और कभी भी गिरावट में अगर आप इन्वेस्ट किए रहते तो देख लीजिए, कभी गिरावट में इन्वेस्ट करते तो ये आपको काफ़ी बेहतरीन और अच्छा रिटर्न देता। तो जब जब गिरावट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो और अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे कि यहाँ गिरावट आप 2008 के गिरावट में खरीदते तो 11000% का रिटर्न। तो गिरावट जो होता है इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 20 ईयर्स। तो जब गिरावट होता है, जैसे मार्केट में गिरावट आया था उस समय आप इन्वेस्ट करते इसी स्टॉक में, देखिए ये काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिल रहा था, मात्र 1291 रुपये में, अभी ये स्टॉक डबल हो चुका है। तो जो गिरावट होता है एक अपॉर्चुनिटी होता है उस समय इन्वेस्ट करने का। तो अच्छे स्टॉक, इन सारे स्टॉक जो बता रहे हैं इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। जब भी मार्केट में गिरावट आए, एक बड़ी गिरावट आए, तो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। छोटा अमाउंट इन्वेस्ट तब करते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, जैसा अभी है। अभी आपको बस छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करना है अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको काफ़ी लॉस होंगे। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो क्वांटिटी कम रखें,
रखिएगा। इसके लिए जीरोधा में अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिए, वहां आप जो है जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो जीरोधा में अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्रेट, ये भी काफी बेहतरीन शेयर है। ये सारे जो स्टॉक आपको इस वीडियो में बताने, इस स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपने इन सारे स्टॉक को पहले भी हमारे मतलब वीडियो में देखा होगा, काफी सॉलिड स्टॉक है ये सब। और इस स्टॉक का देखिए रिटर्न तो काफी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म में, और ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ से अगर ये मतलब ब्रेकआउट देता हो आपको कभी भी मिले तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से अपने हाई से ऊपर निकलता है तो निश्चित है कि गजब का तेजी इस स्टॉक में आपको देखने मिलेगा। अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है जो कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन कहते हैं कि प्राइस में गिरावट नहीं होती है लेकिन स्टॉक जो है काफ़ी लंबे वक्त तक उसी शेयर प्राइस पर उसी दाम पे बना रहता है, तो टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। तो ये टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, अगर यहाँ से ये फिर से स्टॉक रैली करता है तो एक ज़बरदस्त आपको तेजी देखने मिलेगा। और करेंट प्राइस जो है 1588 रुपये है, और अभी थोड़ा सा गिरावट इस पर देखने मिला है जो कि कंसोलिडेशन है, क्योंकि गिरावट तो ये तब होगा जब अपना पिछले लो को ब्रेक करेगा, ये जो पिछला लो होता है उसको ब्रेक करता है तो हम उसको गिरावट बोलते हैं, नहीं तो ये कंसोलिडेशन बोलते हैं जो कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन है। अगला है हमारा एल्काइल एमिन्स केमिकल्स लिमिटेड, काफी बेहतरीन स्टॉक है ये, इसका करंट प्राइस देख लीजिए 5144 रुपये है, और ये भी स्टॉक काफी सॉलिड स्टॉक में से एक है। अगर वन मंथ की बात करें चार्ट का तो ये स्टॉक अभी थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा करेक्शन इसमें देखने मिला, अगर वन ईयर का रिटर्न देखिएगा तो काफी सॉलिड है स्टॉक, लगातार अपडेट में है। मैक्सिमम ईयर की चार्ट की बात करें तो स्टॉक ने काफी सॉलिड रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, यहाँ पर देख लीजिए 8700% का रिटर्न जो कि काफी सॉलिड रिटर्न है, तो ये भी स्टॉक काफी बेहतरीन है, और ये भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, तो जब ये देख सकते हैं 5400 को क्रॉस करता है, मतलब ऑल टाइम हाई जो है ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है 5610 रुपीज को, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशन बना सकते हैं, क्योंकि यहां से जो भी स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो उसमें गजब का तेजी देखने मिलेगा, ये आपको 10% 20% कोई कोई स्टॉक 30% तक का रिटर्न भी आपको यहां से दे सकता है। अगला है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड, ये इस स्टॉक का करेंट प्राइस है 2213 रुपये। दोस्तों ये सारे स्टॉक जो बता रहे हैं वॉच लिस्ट में एड करना है, अगर किसी स्टॉक को ट्रैक करना है तो आप उसका एक दो क्वांटिटी आप बाय कर ले, मैं तो एक क्वांटिटी जैसे बाय कर लेता हूं, अगर किसी स्टॉक को बार बार नहीं देख पा रहे क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक है तो मैं उसका एक क्वांटिटी बाय कर लेता हूं, जिससे वो मेरे पोर्टफोलियो में आ जाता है, जिससे मैं उसको ट्रैक कर पाता हूं कि कब वो स्टॉक कितना डाउन जा रहा है कितना ऊपर जा रहा है, तो इससे हम हमारे ट्रैकिंग लिस्ट में वो जुड़ जाता है, तो जो बेहतरीन सारे स्टॉक है उसको आप किसी को ट्रैक करना चाहते हैं, जिसमें इसमें आपको लगभग हम 10 से 12 स्टॉक बताएंगे, तो 2-4-5 जो अच्छे स्टॉक आपको लगते हैं क्या इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बस उसको ट्रैक करने के लिए आप एक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, जैसे स्टॉक ऊपर गया तो आप उसमें एवरेज अप करते जाएंगे, जैसे स्टॉक में कभी गिरावट की आपको दिखे तो बस प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना है, तो इस तरह से आप एवरेज अप कर सकते हैं, ऊपर जाए फिर नीचे जाए इस तरीके से। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक ये हमारा अगला शेयर है जो कि 2213 रुपये में भी ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक का बात करें वन मंथ का चार्ट आप देखते हैं तो वन अपने ऑल टाइम मतलब वन मंथ के हाई पे चल रहा है, और वन ईयर की बात करें तो वन ईयर के भी हाई पे चल रहा है, मतलब ये एक तरह से ऑल टाइम हाई पे है, ये सारे के सारे शेयर जो आपको बता रहे हैं काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, और सब में काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने मिला है, ये भी स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है अपने ऑल टाइम हाई 2216 रुपया से, तो इसमें भी आप मतलब पोजिशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, काफ़ी मतलब यहाँ से रिटर्न आपको देखने मिलेगा, ज़बरदस्त मोमेंटम देखने मिलेगा, तो जो भी स्टॉक है अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और ये सारे स्टॉक जो है काफ़ी सॉलिड है, लेकिन दोस्तों ये लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं है तो इसमें आपको एकदम स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि करेक्शन भी आएगा तो एक बड़ा करेक्शन आएगा। अगला है हमारा अतुल लिमिटेड, अतुल लिमिटेड ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, लेकिन जो भी स्टॉक है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसमें अगर हम बात करें अभी इसका जो करेंट प्राइस है 6689 रुपये, और ये भी स्टॉक का अगर वन मंथ का चार्ट देखें तो ये कंसोलिडेट हो रहा है वन मंथ से, अगर मैक्सिमम ये बात करें तो ये भी स्टॉक देखते हैं अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये भी स्टॉक जब अपने ऑल टाइम हाई से 7020 रुपीज के ऊपर निकलता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, तो ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को, देखते हैं 35000% का रिटर्न है पिछले 20 सालों में। उसके बाद अगला है हमारा SRF, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और इस स्टॉक का जो अभी करेंट प्राइस है 5620 रुपये, और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 6070 रुपये, तो 6070 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो यहाँ से इस स्टॉक में भी आपको गजब का ब्रेकआउट देखने मिलेगा,
और यहाँ पर देख लीजिए ये भी स्टॉक एक मंथ से यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये सारा कंसोलिडेशन टाइम वाइज है, कोई भी प्राइस वाइज कंसोलिडेशन अभी आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट एक बुल रैली में है। और जब तक जो हमारा निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी जो वो हमारा 200 EMA के नीचे नहीं गिर जाता है तब तक हमको इन सारे स्टॉक में गिरावट आपको कोई बड़ा गिरावट देखने नहीं मिलेगा। तो और अगर वहाँ पर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में गिरावट नहीं होता है तो निश्चित है कि ये सारे स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न आपको 10% 20% कुछ ही दिनों में, जैसे एक सप्ताह हो गया, 10 दिन हो गया, एक महीने में आपको देखने मिलेगा। अगला है हमारा PI इंडस्ट्रीज, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। 2260 रुपये इसका करेंट प्राइस है। और अगर बात करें इस स्टॉक का, अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 2544 रुपये से ऊपर निकलता है तो हम इसमें पोजिशन बना सकते हैं जो शॉर्ट टर्म है। अभी हम शॉर्ट टर्म की ही बात करेंगे क्योंकि अभी मार्केट जो एक ऑल टाइम हाई पे है वहाँ से मार्केट गिरता है तो इन सारे स्टॉक में भी गिरावट होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आपको। अगर यहाँ पर बात करें इस स्टॉक का तो ये स्टॉक देख लीजिए 2260 रुपया भी चल रहा है और एक मंथ से ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 1 ईयर में बात करें तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, मैक्सिमम में बात करें तो यहाँ पे भी अप ट्रेंड में है। तो इस तरह का जो चार्ट आपको देखने मिलता है, देखते हैं कि कोई भी गिरावट हो जाए, जैसे देख लीजिए 2016 का गिरावट है तो एक अपॉर्चुनिटी था इस स्टॉक में बाय करने का, 2018 में गिरावट था वो भी एक अपॉर्चुनिटी था इस स्टॉक को डीप में बाय करने का, और ये जो कोरोना वायरस के कारण पैंडमिक था ये तो एक जबरदस्त मतलब अपॉर्चुनिटी था इस स्टॉक को गिरावट में सस्ते प्राइस पे बाय करने का। तो ये सारी जो स्टॉक है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो इसमें जो गिरावट होती एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता इस स्टॉक को बाय करने का। और यहाँ पर देख लीजिए तो ये स्टॉक का रिटर्न तो पिछले 20 सालों में 2,45,000% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा रिटर्न दिया इस सारे स्टॉक्स ने, इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो जब भी गिरावट मिले तो छोड़ना नहीं है, इन सारे स्टॉक को बाय करना है। अभी जो है वो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे विथ स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं तो जीरोधा में GT ऑर्डर लगाते हैं जिसके कारण हमारे जो पोजिशन में है शॉर्ट टर्म के लिए उसमें स्टॉप लॉस लगता है। स्विंग ट्रेडिंग पोजिशन ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं जीरोधा का GT ऑर्डर काफ़ी बेहतरीन है, तो जीरोधा में जरूर अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला है JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। 1196 रुपया इसका करेंट प्राइस है और 52 वीक हाई जो है इसका 1263 रुपया है, तो 1263 से ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको भी बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, अगर चार्ट देखिए मैक्सिमम का कितना सॉलिड है और इस कंपनी का जो रिजल्ट है अभी सेल्स है प्रॉफिट का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, तो उसके अनुसार भी ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है बाय करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, साथ ही साथ जब गिरावट आएगा तब लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि अभी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। और यहाँ से जैसे ये स्टॉक 1263 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद है अगला एडवांस एंजाइम लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। इन सारे स्टॉक को मैंने पहले भी बताया है, ये सारे स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में एड है और जो भी स्टॉक को मुझे ट्रैक करना होता है मैं उसका कुछ क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, जैसे वो कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न देता है मैं उसमें तब ऐड करना शुरू करता हूँ, और जैसे गिरावट देखिए तो उसमें प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाइए। ये भी स्टॉक देखिए काफ़ी मतलब सॉलिड है लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन अच्छा खासा देखने मिला है, लगभग ये 417 रुपीज़ तक जा चुका था, वहाँ से अच्छा खासा इसमें आपको गिरावट देखने मिला और ये स्टॉक रैली भी किया था, काफ़ी ज़बरदस्त रैली किया था, देखते हैं 112 रुपये का स्टॉक था पेंडेमिक में गिरावट के कारण और वहाँ से ये 400 तक का जर्नी तय किया, मतलब लगभग आपका जो अमाउंट है उसको 3 गुना कर दिया, मतलब आप जो इतना इन्वेस्ट किए थे उसमें 3 गुना का रिटर्न दिया। अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते 3,00,000 का रिटर्न तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 4 times। तो ये मैक्सिमम में ये टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी वीक स्टॉक है, अगर ये यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई 450 रुपीज़ उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है यहाँ पर तो इसमें फिर आपको ज़बरदस्त रैली ऊपर की ओर देखने मिला, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई से पहले ही यहाँ से रेसिस्टेंस लेकर के वापस ये करेक्ट हो रहा है, तो ये जो करेक्शन है कितना होगा ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ से अगर कभी भी ये 450 के ऊपर निकलता है तो फिर समझिए वहाँ से स्टॉक को डबल होने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो इसमें वेट कीजिए, इसमें अभी कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, काफ़ी मतलब ये स्टॉक जो है काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है तो ऊपर अभी ब्रेकआउट देने में काफ़ी वक्त लगेगा इस स्टॉक को। अगला स्टॉक है हमारा GMM फॉर्डलर, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है लेकिन इसमें जो प्रमोटर्स का स्टेक सेल था वो मात्र 3500 पे था जिसके कारण ये स्टॉक 7000 से गिर करके 3500 पे आ गया था,
तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक काफ़ी सॉलिड हैं ये सारे स्टॉक, लेकिन जो प्रमोटर्स का एक गलती था उस स्टॉक में भारी गिरावट लाया था, जिसके कारण ये स्टॉक देखिएगा अगर आप 6 मंथ में, तो यहाँ से देखते हैं 7000 से गिर करके स्टॉक आ चुका था 3500 पे। तो ये स्टॉक भी काफ़ी सॉलिड है देख सकते हैं, मगर चार्ट पर देखेंगे तो 2018 में ही कंपनी लिस्ट हुआ और वहाँ से ये स्टॉक लगभग 800% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका था और वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट इस स्टॉक में देखने मिला। तो ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर आपको 4500 के ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से आपको 6000 तक आसानी से मतलब आपको ये स्टॉक दे देगा। अगर ये 4500 के ऊपर जाकर ट्रेड करना शुरू करता है तो वहाँ इसमें अपना पोजीशन ले सकते हैं। तो पहला टारगेट आपका 5000 का होगा, दूसरा वहां से अगर 5000 ऊपर चलता है 6000 इजीली आपको मिल सकता है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है एचएलई ग्लोस्कॉट, इसको अंत में हमें इसलिए रखा है कि इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके बताया था कि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है और इसका जो परफॉर्मेंस है, जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये स्टॉक जैसे यहाँ से ऊपर निकलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो भी हो, लेकिन जो भी है आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है क्योंकि स्टॉक में गिरावट भी उतनी ही देखने मिलता है, लेकिन कंपनी का अभी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन हुआ है जिसके कारण स्टॉक में काफ़ी गजब की तेज़ी देखने मिला है। देख सकते हैं 1 मंथ का चार्ट लगातार अप ट्रेंड में रहने वाला ये स्टॉक है अभी वो 1 मंथ से। अगर इस पर हमने जो वीडियो बनाया वो आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने इसके लेवल्स टारगेट हर चीज़ को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर लिए होंगे और जब भी गिरावट आता है मार्केट में, कभी भी बड़ा करेक्शन आता है, तो इन सारे स्टॉक में जो भी स्टॉक अच्छे लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें ये कोई लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, मतलब ब्लू चिप स्टॉक नहीं है, तो आपको कंपनी के परफॉर्मेंस पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये कोई सेक्टर लीडर स्टॉक नहीं है। इसमें आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे तो रिस्क भी काफ़ी हाई है, तो रिस्क है जहाँ तो वहाँ आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी लेते आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।